हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग वीडियो। बेसिकली आज मेरा मन था चाउमीन खाने का, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी उसके लिए। बट खानी तो चाउमीन है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने कैप्सिकम चॉप किया है, ऑनियन चॉप किए हैं रफली। बस अभी मेरे पास घर पे भी ये दो सब्जियाँ अवेलेबल थी, मैंने तो मैं जा रही हूँ चाउमीन टाइप का ही कुछ, बट मेरे पास चाउमीन अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने क्या किया है, कढ़ाई में अपना ये मेरी चाइनीज़ कढ़ाई है, बेसिकली इस तरह से कुछ फ्लैट कढ़ाई है, फ्लैट सरफेस वाली। इसमें मैंने डाला है प्याज कुछ इस तरह से। सबसे पहले भून लेंगे प्याज हमारे अच्छे से। जैसे सीखना शुरू हो गए, देन इस स्टेज पे डालेंगे हम शिमला मिर्ची बारीक कटी। मेरे पास अभी अवेलेबल सब्जियाँ हैं जैसे कैबेज, बीन्स, कैरेट, जो आप डालना चाहें वो सब्जी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, पनीर, वीगन, जो भी सब्जी हो। और अगर आप एग खाना पसंद करते हैं तो आप एग चौबन भी इस तरह से इसके अंदर ना सब्जियाँ थोड़ी सी सौटा करके एग चौबन बना सकते हैं। अच्छे से गाइस मैंने अपनी सॉसेस मिक्स करी हैं। बेसिकली इसके अंदर है मेरी होममेड चिली गार्लिक वाली सॉस और सोया सॉस और हल्का सा विनेगर मैंने इसके अंदर मिक्स करके एक पतला सा पेस्ट रेडी कर दिया। बेसिकली ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये सॉस की थिकनेस नहीं है, ये विनेगर है। ठीक है, मिक्स कर लिया मैंने इसमें सब कुछ। मैं गाइस सब्जियों में डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक सीजन के लिए। ठीक है, जैसे सब्जियाँ थोड़ी सी होंगी देन डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाला, बस ये दो इन्ग्रीडियंट डालना है और कोई मसाला नहीं डालना है, क्योंकि सोया सॉस में नमक थोड़ा रहता है तो नमक थोड़ा कम ध्यान रखेंगे, सॉसेज में अपना होता है। बाकी मैंने होम मेड चिली सॉस भी डाली है तो उसमें भी मिर्ची बहुत है, तो इसलिए स्पाइसी तो मुझे बनाना है लेकिन इतना स्पाइसी भी नहीं बनाना है, इसलिए काली मिर्च डाल लूँगी। और बाकी आप जो चाहें मसाला डाल सकते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। फर्स्ट में गाइस बिल्कुल चाउमीन की फील देगी, बट बना मैं बेसिकली मैक्रोनी रही हूँ चाउमीन साइड में ना, क्योंकि मेरे पास चाउमीन घर पे अवेलेबल नहीं थी। मैंने काली मिर्च और अपना गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया, अच्छे से मिक्स देंगे। मैक्रोनी बॉयल करी हुई डालेंगे, सिंपल मैक्रोनी है, बॉयल करी हुई है जस्ट। मैंने इस स्टेज पर डाल दी है मैक्रोनी, अभी कुछ सॉसेज नहीं डालेंगे, सिर्फ इसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और गरम मसाला मिक्स किया था। ठीक है, अच्छे से मिक्स देंगे, मिक्स मिक्स मिक्स, एंड देन अपनी सॉसेज उसके ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से, देन अच्छा सा एक इसे मिक्स देंगे। गाइस अच्छा सा मैंने इसे मिक्स दे दिया है, जब तक भूनेंगे तब तक सॉसेज का पानी एकदम सूख नहीं जाता और ये एकदम ड्राइड फॉर्म में नहीं हो जाती है। अच्छे से भूनेंगे इसी तरह से चलाते हुए, देखिए आप देख सकते हैं एकदम टेम्पटेंगे बनी है। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, जैसे शेजवान फ्राइड नूडल्स खाते हैं ना मार्केट में, चाउमीन शेजवान वाली खाते हैं, सिंगापुरी चाउमीन कह लीजिए बेसिकली, या शेजवान वाली खाते हैं, ठीक उसी तरह का इसका रेड कलर एकदम रेडी हुआ है, रेडिश कलर। एंड देन सब्जियाँ आप जो चाहें वो डाल सकते हैं, बट मैं इसे फ्रेंकली बोलूँ तो थोड़ा अनहेल्दी खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा स्वीट स्टाइल एकदम चाउमीन खाने का मन था, उस तरह से मैंने इसको रेडी किया। सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, दैट्स इट। और इसके अंदर घर की बनी मेरी शेजवान, बस ये सब है, कोई फालतू का मसाला नहीं है, नॉर्मल काली मिर्च, नमक, गरम मसाला घर पे अवेलेबल होते हैं। सब्जी जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, जो अवेलेबल सब्जी हो, जैसे कि मेरे पास अवेलेबल सब्जी थी, बट ट्रस्ट में गाइस बिल्कुल ना चाउमीन जैसा ही टेस्ट देगा, बस शेप अलग है थोड़ी सी। ये देखिए एकदम ये भुन भुना के एकदम रेडी हो चुकी है। देखिए इसके ऊपर जो ऑयल की कोटिंग और मसालों की कोटिंग हो रही है ना और सॉसेस की, बड़ी टेंटिंग बाइक और ये कोटिंग हो रही है,